गुड मॉर्निंग, आज है दिन गुरुवार। कंघी कंघी रट रही हैं। कंघी डेली देती हूँ, डेली घूम कर देती है, डेली देती हूँ, डेली घूम कर देती हैं, और डेली मैं उठा करके खोज करके रखती हूँ। तो अभी कंघी कंघी रट रही हैं। दिन है गुरुवार और गुरुवार का टाइम हो रहा होगा 10 बज रहा होगा शायद, या फिर 9:30 हो रहा है। और मेरा टोटल काम हो चुका है, टोटल क्लीनिंग से लेकर के सब चीज हो चुका है। नाश्ता भी बन चुका, सब लोग नाश्ता कर लिए, बस बड़ी बेटी बाकी है, उसका पेट में दर्द है, पता नहीं क्यों दर्द है, गर्म पानी दी। तो खाना बनाना बाकी है, मतलब कि दोपहर का लंच बाकी है। देखूं कि क्या करती हूँ। और आज ये ड्यूटी नहीं गए क्योंकि बारिश हो रहा है, 3 दिनों से बारिश इस तरह से है कि पूछिए नहीं। ठंडा भी लग रहा है, देखिए स्वेटर नहीं पहनी हूँ, ना खाना अभी खाई हूँ तुरंत, ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो देखूं क्या बनाती हूँ। ऐसे मैं इनको बोली हूँ कि दाल चावल चोखा आलू का और बैंगन का भाजा, ये आइटम करने वाली हूँ। तो देखिए करती हूँ, चावल है नहीं, जाएंगे ये लाएंगे तब बनाऊंगी, तब तक चोखा होगा तैयार कर लूँ, सिर्फ चावल बैठाना बाकी है। और बनाई थी कल साग, तो साग और चावल खाई थी, हमारा फेवरेट है साग भात, बिहार बोला था साग भात, ये सीजन में ठंडी दिन में। पर हमारे गांव में चना दाल, चना का बनता है, चना और खेसारी का जो साग होता है वो खाया जाता है। तो पर क्या करें, शहर में है, मिलना मुश्किल है, मिलता है पर बड़ा बड़ा, मतलब एक एक करके बारीकी से आपको निकालना पड़ेगा, जो आधा हो जाए, आधा से भी कम हो जाएगा तो कोई फायदा है नहीं। तो बथुआ वथुआ डाल करके साग बनाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देखूँ क्या करूँ। ऐसे है, बहुत आइटम है, आइटम मतलब सब्जी में वेराइटी है, पर लड़ रही हैं कि मेरे को कपड़ा दो, सारा का सारा पानी में डाल दी हैं और लड़ रही है मेरे को कपड़ा दो, मेरे को पेटीकोट दो। सूखा हुआ पहनी हुई है, सूखा हुआ है पहनी हुई है, फिर भी शांति नहीं है, उसको कब पानी में डाल दूं, ये उनको लग रहा है कब पानी में डाल दूं। सूखा हुआ रखी हूँ, बस छिपा के रखी हूँ क्योंकि इमरजेंसी में बाथरूम हो जाता है इनका, तो गीला पे ना रहे। और घर बन गया फिर से आंगन, ये देखिए कपड़ा डाला हुआ है, बेटी सोई है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है सर, और पूजा वगैरह हो चुका है। जा भड़क गई मेरी सासू माँ, भड़क गई। दाल बैठा दूं और इसी में बैठाऊंगी आलू। इसमें एक छोटा सा कप रखती थी, वो पता नहीं बच्चे कहाँ रख दिए हैं, दिख नहीं रहा है, तो हाथों से ही नाप करके डाल दे रही हूँ। 1 2 हो जाएगी। अरे यहाँ पे नमक भी हो गया है खत्म, तो नमक को गंदा गाली। ये वो नमक है जो कि आशीर्वाद आटा में मिल रहा था, अभी तक चल रहा है मेरे पास। दाल बैठा दूंगी और इसी में आलू बैठाऊंगी। मेरा ये कुकर ना खराब हो चुका है, दाल बनाने के बाद ही कुछ इसमें बैठा पा रही हूं।
पानी बहुत ठंडा है। जिन जिन लोगों के यहाँ गीजर है वो तो मजे में होंगे, क्योंकि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा, ठंडी तो हम लोगों जैसे गरीब लोग ठंडी का मजा लेते हैं। सेट कर देती हूँ कैमरा। सुर पहचानू ना हो, समझ गई कि दाल बन रहा है। देखिए अंदाजे पे बहुत चीज पकड़ लेती है। खत्म धनिया पीला कर देगा क्या? जब हम बोलते हैं हम घर चला रहे तो क्या बोलते हैं? घर तू इतना साल से देख रहे रूबी, यहीं पे है घर, चल तो रहा नहीं, तू चला ही क्या? बाल गंदा है पर ठंडा की वजह से धो नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा गंदा। तो चलिए, वैसे भी वीडियो लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।